सो गाइस इस गेम का नाम है पालवर्ड और इसमें हमें पोकेमोन्स पकड़ने होते हैं। और देखो ये रहा मेरा बेस, मैंने ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस कर रखी है। खैर मेरा ट्यूटोरियल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे कंप्लीट करने के लिए हमें एक बॉस बैटल में जाना पड़ेगा और वो बॉस बैटल होने वाली है पिकाचू के साथ और मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पहले मैं तुम्हें अपने पोकेमोन लोगों से मिलाता हूँ। लाइक ये शीप है, कईयों के तो नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है और मैंने इनके लिए खेत बनाया। यहाँ पे लोग बेर वगैरह उगाते रहते हैं। ये बंदर ये हार्वेस्टिंग करता रहता है और ये मशरूम बीज बोता रहता है और ये इन सब के सोने की जगह है। और हाँ ये रहा मेरा घर, बेस अभी काफी हद तक मैंने तैयार कर लिया है और उस बॉस को हराने के लिए मुझे कुछ पोकेमोन्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपनी टीम में इन लोगों को रखा है तो यहाँ का काम चलते रहेगा। हम चलते हैं अपनी बॉस बैटल में। वेट अभी रात होने वाली है तो पहले मैं सो लेता हूँ, कल सुबह चलेंगे। सुबह हो चुकी है। इस बेस को तैयार करने के लिए मुझे पूरा एक दिन लग गया, मैंने कल रात भर ग्राइंड किया है। खैर ये एरिया एक टेलीपोर्ट की तरह काम करता है, इससे हम फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं तो शायद वो बॉस हमें इस टावर में मिलेगा। हम राइड करके चलेंगे। तो ये रहा वो एरिया, तो मुझे अभी इसे उतरना चाहिए। ये कट सीन आया है अभी। ओ ये पिकाचू है, तो हमारी बैटल इस लड़की से होने वाली है। ये इसकी पॉकेबॉल है। ये पता नहीं पिकाचू का कौन सा रूप है। तो हाँ इसमें हर एक, तो इसका नाम ग्रिज बोल्ट है। वेट वेट मुझे अपने पोकेमोन से निकालने चाहिए या भाई मैं तो हार जाऊंगा ऐसे में। ये काफी पावरफुल है यार, इसकी हेल्थ काफी ज्यादा है। ये पिकाचू बिल्कुल नहीं है, इस पिकाचू को मेरे पोकेमोन से लड़ना चाहिए तो ये मुझे मानने में लगा है। भाई ये इस गेम का ट्यूटोरियल था तो मुझे लगा फाइट थोड़ी इजी होगी। अबे मुझे करंट लग गया। अगर ये पोकेमोन हमारे पास आ गया तो हम धमाल मचा देंगे। ओके इसकी आधी हेल्थ चले गई है, अब बारी है मुझे अपनी थोड़ी शक्ति दिखाने की। तो मैंने अपने पोकेमोन्स को थोड़ा बहुत ट्रेन करके रखा है, मैंने इनकी स्किल्स थोड़ी खोल ली है। ये देखो, अबे नहीं ये फॉक्स अभी आग उगल रही है, बट इससे पिकाचू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे अभी किसी और को बुलाना चाहिए, मैंने अभी इस वुल्फ को बुलाया है बट मैं मर गया। यार ये इस गेम का ट्यूटोरियल था बट मैंने सोचा नहीं था इतना डिफिकल्ट होगा। मैं वापस से अपने बेस में आया हूँ तो इस बार मैं थोड़े ढंग के पोकेमोन्स को ले जाऊँगा, बट मेरा कोई भी पोकेमोन ढंग का नहीं है। तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं इस शीप को ले जाऊँगा। इसका तुम साइज देख रहे हो, पिकाचू तो इससे ज़रूर फाइट लेगा। तो मैं यहाँ वापस से आ गया हूँ। फाइट पूरी करने के लिए हमें 10 मिनट का समय मिलता है बट मैं तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाया था। इस बार मैंने अपनी भेड़ को पहली निकाल दिया। यार ये पिकाचू उसे मार ना दे। अबे ये मर गई क्या? भाई मेरी भेड़ पहले ही मर गई। मतलब तुम्हें इससे पता चल गया होगा कि पिकाचू कितना पावरफुल है। भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे मैंने अभी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा था। मैं इस बार फायर एरो बनाने वाला हूँ, कोई तो मदद करो आके। तो इन लोग हमारी मदद भी करते हैं, जैसे कि मेरे बेस का पूरा काम ये पोकेमोन लोग ही कर रहे हैं। तो मैंने अभी फायर एरो क्राफ्ट की है क्योंकि नॉर्मल एरो से पिकाचू को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये तीसरी बार है जब मैं पिकाचू से लड़ने जा रहा हूँ एंड आई होप कि मैं इस बार जीत जाऊँ। इस बार मैंने अपनी टेक्निक थोड़ी बदली है क्योंकि पिछली बार पूरा डैमेज मुझे ही आता था। अभी तक तो मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, अब टाइम है फायर एरो चलाने का। यार दिक्कत तब होती है जब ये अपना फोकस मेरे में बनाता है। भाई ये तो अच्छे से धो रहा है मेरे पोकेमोन को। इस बार शायद मैं उसे मार दूंगा, मेरी हेल्थ इस बार ज़्यादा लूज नहीं हुई है। पाल टीम इज हंगरी, मेरे पोकेमोन अभी हंगरी हैं। ये कोई समय है तुम्हारे खाना खाने का? यार ऐसा काम नहीं बनेगा, मेरे पोकेमोन इसके सामने बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। या मेरा कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा बढ़ा है। यार अगर ये पिकाचू मेरे पास आ गया ना, बस ये मरने ही वाला है। एक शॉट और, यस बॉस एलिमिनेटेड। ले इसको नीचे गिरा देता हूँ मैं। तो हाँ मैंने उस पिकाचू को तो मार दिया बट मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया और अब मेरा ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट हो चुका है। वेट में तो मैं एक अजीब सी बात दिखाता हूँ। तो मेरे इस बेस में अभी 9 पोकेमोन है बट सोने के लिए मेरे पास 23 बेड है। लाइक मैंने एक ही बार में उनका पूरा इंतजाम कर दिया है। और अभी इस बेस को अपग्रेड करने के लिए मुझे एक बिल्ड शेफर वर्क ब्रेंच, तो मुझे एक वर्क ब्रेंच बनाने की जरूरत है अभी और उसके बाद मैं अपने बेस को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो पहले मुझे उस वर्क ब्रेंच की रेसिपी को अनलॉक करना पड़ेगा, अब मैं उसे क्राफ्ट कर सकता हूँ। इसको शायद मुझे यहीं पे लगाना चाहिए। तो मैंने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है और ये देखो इन लोग इसे बनाने के लिए आ गए हैं।
ओके तो ये बनके तैयार है। इस वर्क ब्रांच में हम पोकेबॉल्स तैयार कर पाएंगे। खैर अब मैं अपने बेस को अपग्रेड कर सकता हूँ। पाल टीम इज हंग्री। तो इस गेम में पोकेमोन्स को पाल बोलते हैं। पाल मतलब लाइक हम बोलते हैं ना हे होमी पाल। ओके तो अभी बेस में ये लोग काम कर रहे हैं, इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए फ्री करता हूँ। इनकी जगह मैंने अभी कुछ नए पोकेमोन्स को बेस में रखा है, इन्हें मैंने अभी हाल ही में पकड़ा है। ये देखो ये भी पिकाचू से थोड़ा बहुत सिमिलर है, इसकी पावर भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो या हर एक पोकेमोन की अपनी स्पेशल पावर होती है और हम उस पावर को और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मुझे उन पोकेमोन्स की स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। लाइक ये जो बोर है इसके ऊपर मैं राइड कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे एक सैडल बनानी पड़ेगी, बट मैं उसके ऊपर बैठना नहीं चाहता। और वैसे ही इस मंकी की स्पेशल पावर अजॉल्ट राइफल है, लाइक इससे हम अजॉल्ट राइफल चलवा सकते हैं। और इसे अनलॉक कराने के लिए मुझे 5 इंगट कम पड़ रहे हैं, तो पहले मैं इंगट तैयार करता हूँ। ओह मेरे पास अभी और भी नहीं है, तो अभी मैं जा रहा हूँ और कलेक्ट करने के लिए। वेट, मुझे अभी रास्ते में एक पोकेमोन दिखा है और इसे मैंने अभी तक नहीं पकड़ा है। अबे नहीं, ये तो काफ़ी सस्ता है भाई, अगर एक शॉट और जाता ना तो ये मर जाता। तो हाँ अभी मैं और कलेक्ट करने के लिए आया हूँ और वो मुझे दिख चुका है, ये रहा। और इसे तोड़ने पे मेरी मदद करेगी ये, तो हमारे पोकेमोन हमारी मदद भी करते हैं, बट ये नहीं कर रही। वेट शायद मैंने गलत पोकेमोन को बुला लिया है, शायद ये मेरी मदद करेगी। नहीं भाई ये भी मेरी मदद नहीं कर रही। तो मेरी इन्वेंटरी अभी हैवी हो चुकी है, मतलब मैं अभी ज़्यादा सामान कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो इतना मैं अभी अपने बेस में पहले रख के आ जाता हूँ। यार नहीं, इस वजन के कारण मेरे पोकेमोन भी धीरे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत आइटम मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये सामान मैं बाद में आके उठा लूँगा। ओके तो ये काम चालू कर देते हैं। और मैंने फर्नेस में रख दिया है और यहाँ पे मुझे आग की ज़रूरत है और इस पर मेरी मदद करेगी फायर पोकेमोन। एक फायर पोकेमोन को मुझे बेस में छोड़ना पड़ेगा। ये देखो यार नहीं, ये अभी टॉर्च जलाने पे लगी है। देखो मैं तुम लोगों को ये दिखा रहा था, जैसे कि मैं इस पोकेमोन को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसका काम है फायर, तो यहाँ पे ये आग को जलाए रखेगी। तो इस तरीके से हर एक पोकेमोन का अपना अपना काम है। ओह अच्छी हुआ मेरे आइटम को किसी ने उठाया नहीं। ये रहा, काम कर। ओए रुक जाओ, इसको यहाँ पे स्पॉन करता हूँ, इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसने पूरे ओर को पिघला के इंगट बना दिया है और अब इस इंगट से मैं उस मंकी की अजॉल्ट राइफल वाली स्किल को अनलॉक कर लूंगा। स्किल तो अनलॉक हो चुकी है, अब मुझे उस स्किल को क्राफ्ट भी करना पड़ेगा। इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई मेरी मदद करेगा क्या? ओके ये आ रही है। इन सब के नाम याद करने में अभी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, हर एक के नाम काफी डिफरेंट है। तो देखो मंकी वाली वो स्किल पूरी अनलॉक हो चुकी है, अब मुझे उस मंकी को इक्विप करना पड़ेगा, मतलब कि अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ेगा। तो जिन जिन पोकेमोन को मैं अपनी पोकेबॉल के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ उसे पार्टी कहते हैं। तो अभी मैं उस मंकी को बुलाने वाला हूँ और हम लोग अटैक करने वाले हैं उस बिल्ली में। वो भाग गई, वो पहले ही भाग गई, वो देखो भाई। चलो इस मंकी को फिर से यूज़ करके देखते हैं भाई। यार स्किल पावरफुल है। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि कल हमें और भी पोकेमोन्स को पकड़ने जाना है।